सही हो रहे हैं अब तो। बहुत खतरनाक वाला ऐसा हो रहा है कि जैसे पता नहीं कितना मौसम आपको किधर से खुला हुआ है, अच्छा मैं ये भूल गई, घर आ गए और बड़ा बुरा हाल हो रहा है। मुझे तो लगे दरवाजे खिड़कियां लग रहे होंगे आंटी जी, लग रहे बहुत खतरनाक वाला हो रहा है आंटी जी। आंधी तूफान चल गया पूरी तेज, आए बच्चे भेज तो दिए, तू डर हो रहा, ठीक ठाक रहे हैं बस, बहुत हो रहा बुरा हाल है। नहीं आज बारिश बता रखी है क्या, पता नहीं जिस हिसाब से हवा चल रही तो बादल उठी कर तो देने की नहीं है, ऐसा उठ जाएगा पर इतने में ही ठंड कर दी बहुत। कल ही बच्चों की ड्रेस लेकर आए हम शाम, पूरी पूरी बच्चों की पेंटे पुंटे सी इनकी, अब वो भी शुक्र है मैं चल ले आया, ठंड लग रही है उनमें भी, ठंड हो गया जर्सी भी लाए तो हम क्या अंकल जी। हाँ अब तो लेने, अब तो इस वाले मौसम में ही चाहिए आंटी जी, ज्यादा ना पूरी ठंड में ना पूरी गर्मी में, हाँ। ये जो मौसम चेंज हो गया इसमें ही ज्यादा दिक्कत हो गया। बस चलो मैं अभी देखो पूजा पाजा करूंगी ना धूप है, हाँ जी चलो जी भाई लगते हैं अपने काम पे, आतंक पूरा क्या। आ गई आंटी जी, भेज दिए जल्दी आ गई, खैर हम तो सोच रहे थे मगर लेकर चले घर वापस। हाँ जी पूरा मौसम खतरनाक वाला हो रहा बहुत, जो टीवी में नहीं दिखाते काले काले से बादल रहते भी, देखो ये बादल हैं ये काले काले सारे और ये तूफान है हमारे घर का, और ये बादल देवता चले जा रहे उधर को, पता नहीं कहाँ जाकर बरसेंगे आज, और ऐसा हो रहा बिल्कुल जैसे अंधेरा कैमरे में दिख रहा है ये वैसा, हाँ भाई गोरा गोरा सा हो रहा, मतलब दिन सा निकल रहा, नहीं तो पूरा ही मौसम खराब है बिल्कुल। ये देखो चल रहे और बादल हवा की वजह से, ये देखो सारे में अरे काले हैं ये बिल्कुल, पता नहीं क्यों फोन में गोरे गोरे दिख रहे, क्रीम लगाते होंगे। चलिए जी लगते हैं हम भी अपने काम पे। तो ये देखिए यहाँ पे उसके बाद मैं नहा धो के हो गई थी तैयार, और जो मेरी पूजा पाठ है वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भेजने के बाद मैंने थोड़ी सी सफाई करी जो भी मेरी रोज की होती है, उसके बाद मैं नहाई धोई फिर मैं पूजा कर रही थी। और कल जैसे मैं कह रही थी कि जब भी मैं कुछ एक्स्ट्रा पूजा पाठ करती हूँ या कोशिश करती हूँ तो तभी मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो आप लोग बोल रहे थे कि जैसे मैंने कुछ व्रत का संकल्प लिया था और वो मैंने पूरे नहीं किए शायद उस वजह से ये सब हुआ, तो वही चीज भी मैं कल बोल रही थी, उसमें मेरे व्रत भी आ जाते हैं कि मान लीजिए कि मुझे व्रत रखने हैं तो वो व्रत भी मेरे नहीं पूरे हो पाते, उनमें भी मेरी तबीयत ही खराब हो जाती है। वही चीज मैं कल भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी कि ऐसा होता है कि जब भी मैं एक्स्ट्रा करने की कोशिश करती हूँ, वो चाहे घर में भगवान जी को बिठाना हो, कोई और पूजा करनी हो या मुझे व्रत ही क्यों ना रखने हो, तो वो मेरे नहीं हो पाते। वही चीज मुझे परेशान करती है कि मैं कोशिश करती हूँ और फिर एक मन में एक जो दोष भाव सा आता है ना कि हम नहीं कर पा रहे, वो भी मन में होता है, तो उससे भी मैं नहीं निकल पा रही हूँ निकल पाती हूँ, तो वो वाली ही चीज मेरी समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं कुछ पूजा पाठ करने की या कुछ भी अलग करने की व्रत कुछ भी करने की कोशिश करती हूँ तो मेरी तबीयत अचानक से क्यों खराब हो जाती है। और आप लोगों से भी आपने भी बताया है कि दी कुछ भी है, मतलब अच्छे पॉजिटिव वे में भी आप लोगों का रिस्पॉन्स आया है, कुछ लोगों ने उस चीज को नेगेटिव वे में भी मुझे बताया है
कि मैं ये नहीं करती इस वजह से ऐसा होता है। और रही जैसे अभी मेरे नवरात्रे चल रहे थे तो जब आशुहर गांव में गई उन्होंने मुझे बोला था कि इंदु तू भी हमारे साथ चल, लेकिन मैं जानती थी कि मैंने माता जी को घर में बिठाया हुआ है और घर में मैंने नोरते भी बोए हुए हैं, तो मैंने उन्हें मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने माता जी को घर में बिठाया हुआ है, पूजा तो मुझसे प्रॉपर नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। जब मेरा जितना मेरे से बन पड़ेगा, जितना माता रानी चाहेगी, जितनी पूजा पाठ मैं कर पाऊंगी उतना मैं जरूर करूंगी, जो नहीं हुआ उसको तो चलिए छोड़ देते हैं, लेकिन जो हम कर सकते हैं उसको मैं छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। तो इस वजह से फिर मैं नहीं गई उन लोगों के साथ गाँव में, और ना जाने का मेरा ये भी एक रीजन था। तबीयत तो चलिए थी ही थी कि तबीयत तो ऊपर नीचे चलती ही रहती है, लेकिन मैं अपनी माता रानी को छोड़ के गांव नहीं जाना चाहती थी। और यही तब भी हुआ था जब गणपति जी आए थे, तब भी वो लोग गए थे और गणपति जी की वजह से ही मैं फिर तब भी नहीं गई थी, क्योंकि गणपति जी घर में थे और उन्हें छोड़ के जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करती हूँ, लेकिन बस वही है कि कई चीजों में ऊपर वाले की ही मर्जी चलती है, कहीं शायद मुझसे गलती हो जाती है या कहीं शायद कोई कमी रह जाती है, तो जिसकी वजह से मुझे ये झेलना पड़ता है। पर खैर कोई बात नहीं, ये है कि भगवान परीक्षा लेते हैं तो उनका फल भी अच्छा ही आता है। अब मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है और माता रानी की कृपा से मैं जो करना चाहती थी वो भी मैंने थोड़ा बहुत किया है, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाई लेकिन थोड़ा मैंने किया है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज लगभग 4 दिन के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है और आज मैं इसीलिए थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि पिछले 4 दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब थी। आशु के वीडियो में आपने देखा भी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे दर्द था, बहुत ज़्यादा। एक तो नॉर्मल सा ही हो, एक था बहुत ज़्यादा, मतलब खाना पीना भी मेरा इतना मुश्किल हो रहा था कि पानी की एक घूंट भी अगर चली गई ना अंदर तो उससे भी इतना दर्द होता था, बहुत ज़्यादा। पर यह है कि कल शाम से आराम है, इंजेक्शन पे इंजेक्शन, दवाई पे दवाई, इतनी दवाइयाँ खा ली मैंने 4 दिन में जितनी कि महीने में हो, लेकिन आराम ही नहीं लगा, पता नहीं क्या हुआ कैसे। पर कल शाम फिर हम उन डॉक्टर के यहाँ पे गए जहाँ पे कृष्णाहर हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने दवाई चेंज करी, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुए, तो उसके बाद फिर उन्होंने दवाई दी मुझे। तो अब जाके थोड़ा सा आराम है, तो आज मैं कुछ कर पा भी रही हूँ, नहीं तो पिछले 2-3 दिन से पीयू के डैडी ही बच्चों को स्कूल भेज रहे थे सुबह के टाइम, मैं बस बाल बांध देती थी उनके, क्योंकि उनसे सिर्फ बाल ही नहीं बनते, बाकी बच्चे तैयार तो खुद ही हो जाते हैं। तो आज भी बल्कि वो मना ही कर रहे थे, मैंने कहा लेटे लेटे ही क्या हो, तो थोड़ा बहुत कुछ करूँगी, थोड़ा सा मनसा भी होगा। तो टाइम 12:15 होने वाले हैं, नहीं 12 बजे, तो यहाँ पे मैंने जितना मेरे पे बना उतना मैंने बना दिया। अपने लिए मैंने बनाई है यहाँ पे ये मूंग दाल की खिचड़ी, क्योंकि मुझे यही खानी है, तला भुना मिर्च मसाला मेरा बिल्कुल बंद किया उन्होंने, चिकनाई वगैरह सब कुछ। और इसमें मैंने बनाई है बच्चों के लिए, वो बनाई है मैंने क्या हो वो आलू वाली खिचड़ी, क्योंकि यही मेरे पे बनी, इससे ज़्यादा हिम्मत मेरी हो भी नहीं रही थी, बस ये था कि चलो थोड़ा बहुत जितना भी हो जाए उतना मैं कर लूँ। और साथ में मैंने दही जमने के लिए रख दी थी, सुबह ही वो रखी है उधर। तो बस ये मेरा काम हो रहा, सुनीता आती है अपना करके चली जाती है, पीयू के डैडी जितना हो सकता था पूजा पाठ कुछ भी नहीं मेरे से हो पा रहा, तो उन्होंने ही किया जितना भी वो कर पा रहे हैं पीहू के डैडी ही। और आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, देखिए जो ये हमारे ही है ना जो, वो भी आ गए। और आज 5वां नवरात्रा है, पहले नवरात्रे की पूजा मैंने की थी और दूसरे की सुबह के टाइम की थी, शाम के टाइम तो मेरे पे कुछ भी नहीं हो पाया था क्योंकि उसी दिन से तबीयत खराब थी बहुत। तो आज भी बल्कि सुबह पीहू के डैडी और पीहू हरी पूजा करके गए हैं, मेरे से तो हो नहीं पाई क्योंकि मैं तो लेट ही रही थी। तो आज अभी है आराम थोड़ा सा मुझे, तो मैं कहा चलिए थोड़ा बहुत मैं कुछ देख लेती हूँ। अभी मुझे लेने जाना है कृष्णा को, क्योंकि कृष्णा अब बस में जाता है और उसकी बस आ जाती है 12:15 भी आ जाती है, 12:30 भी आ जाती है, अभी है 5-10 मिनट, तो उसको लेने जाऊंगी मैं। और इतने में ही मेरी तबीयत हाल खराब हो गया बोलते बोलते, तो चलिए जी पहले कृष्णा को लेने जाऊंगी मैं, फिर आके मिलती हूँ आप लोगों से।
तो जी मैं आ गई हूँ कृष्णा को लेके, आके आ गई रास्ते में ही हूँ। और ये बोलता जा रहा स्टोरी सुना रहा अपनी स्कूल की, है कृष्णा लीन हो रहा बस बोलने में। अच्छा क्या फटा हुआ था? आके पहले तो एक सांस हुआ रहेगा, इतना सारी इसकी स्टोरी ना सुने, इतना ये दूसरे की नहीं सुनता है। देखिए इधर बैठो बेटे, इधर क्या कह रहे थे आप, अब बताओ। अब नहीं बताएगा, अब शर्म आ गई इसको। मम्मा ने आपके लिए पता क्या बनाया, आपका फेवरेट, इधर सुनो। चड़ी चावल नहीं, राजमा चावल, आलू वाली खिचड़ी। आपने कल खाया नहीं था ना खाना वहाँ से, इसलिए खाना नहीं खाया था ना आपने, चावल नहीं खाए थे क्योंकि उसमें आलू नहीं है। आलू डाल के खिचड़ी। कल की छुट्टी है, आलू किसमें? तो जी ये सीधा पांचवा नवरात्रा था शायद, और जिस दिन दूसरा नवरात्रा था उसी दिन मेरी तबीयत शाम के टाइम खराब हो गई थी। तो उसके बाद मतलब ये हो रहा था कि मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, ज्यादा नहीं हो रहा था। यहाँ मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया और उसके बाद फिर से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने भी कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि अगर लगता है कि भाई चलिए थोड़ा सा ठीक है तो कर भी ले। और फिर पीहू भी यहाँ पे नहीं थी और बच्चे तो थे, खैर छुट्टी पड़ी हुई थी बच्चों की, तो लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। जितना मैं कर पा रही थी उतना ही मैं कर रही थी। यहाँ तो वीडियो एडिटिंग का कमाल है कि ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत फटाफट कर रही थी, लेकिन मेरी फिलहाल स्पीड जो है वो बिल्कुल ऐसी है जैसी कोई ओल्ड एज जो करते हैं ना, हम कह देते हैं कि हमारे से हो नहीं रहा, उस वाली कंडीशन में करते हैं बिल्कुल धीरे धीरे। तो खैर चलिए कोई बात नहीं जी, सुख दुख चलते रहते हैं अपने जीवन में, कई बार ज्यादा हो जाते हैं कई बार कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने गद्दे से सुखाए थे इनको, मैंने बिछा दिया है, कृष्णा मेरे साथ ही है। और बस अभी ये कीवी बोल रहा था कि कीवी दे दो मम्मा मुझे काट के, इसके चक्कर में मैं भी एक आधा पीस खा लूंगी। खाने पीने में मैं बहुत आलस करती हूँ कि भाई मुझे खुद से खाना ना पड़े कुछ भी करके, और वही शायद एक कहीं ना कहीं मेरी रिकवरी में टाइम जो लगता है वो इसी वजह से लगता है कि मैं प्रॉपर अपनी डाइट नहीं ले पाती। पीहू के डैडी ला के रखते रहते हैं, सारी चीज देते भी हैं, लेकिन मेरा ही ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाती। तो चलिए खैर जी यहाँ पे मैंने इसको दे दिए हैं काट के, और बस इतना ही मेरा काम होना था, जो मुझे बनाना था वो मैंने बना लिया था, और बस फिर मैं लेट जाती हूँ, फिर कुछ नहीं हो पाता मुझसे। तो चलिए बस फिर इस वीडियो को भी मैं यहीं पे ही रोकती हूँ। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलती हूँ जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।